Hello everyone, I am your teacher for this question. So let me explain this question to you. The question says two persons manage to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. The same motor car can be pushed by three persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. With what force does each person push the motor car? Assume that all persons push the motor car with the same muscular effort. तो देखो सेम मस्कुलर एफर्ट मतलब सेम फोर्स लगा रहे हैं तीनों तो देखो यहां पे हमें दिया, दिया हुआ है कि दो पर्सन जो है एक मोटर कार जिसका मास कितना दिया हुआ है ट्वेल्व हंड्रेड किलोग्राम्स इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ पुश कर सकते हैं ठीक है अब उसी सेम मोटर कार को तीन लोग पुश कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं एक एक्सेलेशन को 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ठीक है ये हो रहा है जब पुश्ड बाय थ्री एफ करके लिख रहा हूं क्यों क्योंकि देखो अगर एक पर्सन एक फोर्स लगा रहा है वन एफ लगा रहा है तो तीन लोग तीन एफ लगाएंगे ठीक है और जब एक्सेलरेशन बराबर था जीरो तो इस केस में कितने फोर्स पुश कर रहे थे पुश्ड बाय टू एफ ठीक है तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो यहां पे इसको इस तरीके से लिख देता हूं मैं सिंस फिर इस तरीके से लेट एफ बी दी फोर्स अप्लाइड बाय फोर्स वन पर्सन ठीक है तो ये गिवन डेटा यहां से वैलिड हो गया अब देखो इसको समझते हैं हम अगर दो एफ लगाने पे एक्सिलेशन जीरो है इसका मतलब क्या है कि जो कार है उस वो जो है फ्रिक्शन के दम पे पहले से खड़ी हुई थी और आपने उस पर उतना ही फोर्स लगाया है जितना फ्रिक्शन का वैल्यू है तो जो नेट फोर्स है वो जीरो हो गया इसके चलते ठीक है सिंस ऑन सिंस ऑन टू एफ सिंस ऑन अप्लाइंग टू एफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी इज कांस्टेंट दैट इज नेट फोर्स इज जीरो है ना क्योंकि एक्सप्रेशन जीरो होता है इसलिए फोर्स इज़ जीरो इट विल बी इक्वल टू इट विल बी जस्ट इक्वल टू फ्रिक्शन इट विल बी जस्ट इक्वल टू फ्रिक्शन बिटवीन कार एंड सरफेस ठीक है इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं देयरफॉर फ्रिक्शन बराबर टू एफ हो जाएगा तो अगर फ्रिक्शन टू एफ आ गया और हम थ्री एफ टोटल अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब टोटल फोर्स अप्लाइड ये कितना है थ्री एफ देन नेट फोर्स तो फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के तो यह थ्री एफ माइनस टू एफ यानी कि जाएगा एफ तो नेट फोर्स आ गया एफ के बराबर अब हम जानते हैं सिंस फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन तो देखो यहां से यदि मैं बात करूं एक्सेलरेशन मुझे ऑलरेडी पता है मास मुझे ऑलरेडी पता है मुझे क्या निकालना है फोर्स ड व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश दी कार्स मतलब कि फोर्स कितना लग रहा है ये एफ का वैल्यू निकालना है ठीक है तो यही तो एफ डायरेक्टली यहां पे नेट फोर्स की तरह लग रहा है मास कितना है ट्वेल्व हंड्रेड एक्सलेशन कितना जीरो पॉइंट टू सिंपलीफाई कर लो इसे ये हो जाएगा टू फोर्टी न्यूटन्स ठीक है ईच पर्सन हेंस ईच पर्सन अप्लाइज टू फोर्टी न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन मोटर कार So I hope you understood this explanation. Thank you.